शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं प्यारे विद्यार्थियों युवा साथियों नमस्कार आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 201 से लेकर के और 300 तक हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी अनुच्छेद 101 से लेकर के 200 तक तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि आपको यही कहना चाहूँगा कि आप ये ठान लो कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके की बात अपने मन में ठान लो तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 201 में लिखा है विचार के लिए आरक्षित विधेयक कहने का लो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल आरक्षित रख सकता है अपने पास सुरक्षित रख सकता है उसके आदमी वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 202 सौ दो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है वहीं 203 के अनुच्छेद में विधानमंडल के प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है वहीं 204 में विनियोग वी विधेयक के बारे में बताया गया वहीं 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख किया गया वहीं दो के अनुच्छेद में लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादा अनुदान का उल्लेख किया गया वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 207 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं तो ये आप देखोगे राज्य सरकार से संबंधित राज्य विधानमंडल के विधेयकों से संबंधित अनुच्छेद तो इसमें एक तो 201 तैयार कर लेना जो कि राष्ट्रपति अनुमति देता है राज्य के विधेयकों पर जो राज्यपाल ने आरक्षित रखे हैं जो उनकी स्वीकृति के लिए रखे हैं राज्यपाल आरक्षित रखेगा राज्यपाल दो में जबकि राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा स्वीकृति देगा वो 201 है वहीं आप देखो वार्षिक वित्तीय विवरण 202 जो कि आप देखोगे राज्य का बजट तो इसे जरूर तैयार करना 204 सौ विनियोग विधेयक जो कि राज्य विधानमंडल राज्य सरकार से संबंधित तो इन अनुच्छेदों को जरूर तैयार कर लेना उसके बाद में आगे देखो साधारण प्रक्रिया अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया कैसे होगी 209 के अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन बताया गया है वहीं 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है इसे तैयार कर लेना हिंदी या अंग्रेजी में कार्रवाई होगी अगर सदन का अध्यक्ष चाहे तो मातृभाषा में भी कार्रवाई की अनुमति दे सकता है वहीं आदि को दो विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन होगा विधानमंडल में न्यायालय की कार्रवाई की कोई चर्चा नहीं होगी इसे भी तैयार करना उसके बाद सौ बारह न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच नहीं किया जाना कहने का मतलब है राज्य विधानमंडल में जो कार्रवाई होगी उसकी चर्चा न्यायालयों में नहीं होगी तो यह अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट है अध्याय चार राज्यपाल की विधायी शक्ति अनुच्छेद दो सौ तेरह जहां अपने अनुच्छेद एक सौ तेईस में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति विधायी शक्ति देखी थी उसी प्रकार राज्य में अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के वि शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया जो 6 माह तक मान्य होती है और विधानमंडल के अधिवेशन में आने के बाद में 6 सप्ताह या 42 दिन तो यह अति महत्वपूर्ण और विधाई शक्ति है यह तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों जो कि अनुच्छेद 213 बहुत बार पूछा भी जाता है तो इसलिए इसे ज़रूर तैयार कर लेना उसके बाद में अध्याय पाँच जो कि राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्टों का उल्लेख करता है वहीं आप देखो अनुच्छेद दो सौ चौदह राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ऐसी व्यवस्था करता है वहीं दो सौ पंद्रह में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है वहीं दो सौ सोलह में उच्च न्यायालयों का गठन बताया गया वहीं दो सौ सत्रह में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों का उल्लेख किया गया वहीं आप देखोगे 218 के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना उसके अनुच्छेद दो अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ किया गया वहीं आप देखोगे अनुच्छेद 220 में न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन होगा प्रतिबंध किया गया है वहीं आप देखो 221 में न्यायाधीशों के वेतन आदि का उल्लेख किया गया है दो में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अनंतरण कहने का मतलब स्थानांतरण कर सकता है राष्ट्रपति वही 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बताइए तो इसमें एक तो 214 तैयार कर लेना राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा वहीं आप देखो 216 में उच्च न्यायालयों का गठन बताया गया है वहीं 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण 222 किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है राष्ट्रपति तो इसे जरूर तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है प्यारे विद्यार्थियों जो कि हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद उसके बाद में आगे देखो अनुच्छेद दो अनुच्छेद दो में चौबीस में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ तदर्थ न्यायाधीश नहीं होते राज्य हाईकोर्ट में उसके बाद में अनुच्छेद दो के उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है वहीं 225 में विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता का उल्लेख किया गया है दो वेरी मोस्ट है जो कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है मूल अधिकारों से संबंधित उच्च न्यायालय छः प्रकार की रिट जारी करता है जबकि सुप्रीम कोर्ट है वो याद रखना पाँच प्रकार की तो इसलिए उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों से रक्षा संबंधी शक्ति ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद में अनुच्छेद 226 सौ छब्बीस को निर्शित कर दिया गया हटा दिया गया दो सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है वहीं दो कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण दिया गया है दो सौ में निर्शित कर दिया गया है दो उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा वे का उल्लेख किया गया है 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार बताया गया 231 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है संसद ये महत्वपूर्ण दो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है कौन संसद वहीं दो को निश्चित कर दिया गया है तो ये अति महत्वपूर्ण इसमें 226 और 231 इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना उसके आदमी अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय जो कि 233 अति महत्वपूर्ण है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा राज्यपाल करेगा उसके बाद 233 के कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण किया गया है वहीं दो सौ ये भी ध्यान रखना न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती कौन करेगा राज्यपाल जो कि हाई कोर्ट और आरपीएससी के परामर्श पे करेगा उसके बाद में दो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 236 जो कि निर्वाचन है 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना बताया गया है प्यारे विद्यार्थियों हमेशा ये कहा करो कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है खुद से वादा किया है प्यारे विद्यार्थियों आगे भाग सात संघ राज्य क्षेत्र जो कि दो सौ निश्चित कर दिया गया है उसके बाद में भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र से ही संबंधित है जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है उनके लिए विशेष प्रावधान है दो सौ संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है दो सौ कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सर्जन किया गया है वहीं दो सौ उनचालीस दिल्ली के उपबंध संबंध में विशेष उपबंध है दो सौ उनचालीस को जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आप देख रहे हो जो मैंने एंडरलाइन किए हैं जिनके चिन्ह लगाए हैं उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना ठीक है उसके बाद में देखो आगे जो कि अनुच्छेद दो कै खै जो कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपमन कहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में उसके बाद में दो सौ उनचालीस विधानमंडल के वी शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में संघ शासित प्रदेशों में वहीं दो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 240, 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है 241 वहीं 242 को निर्सित कर दिया गया है उसके बाद में अति महत्वपूर्ण भाग नौ पंचायतें जो पहले नहीं था बाद में जोड़ा गया था तिहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ बानवे तिरानवे के द्वारा तो इसमें कई अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने से ज्यादा अच्छी बात यह है कि कोशिश करके उनका टूट जाना तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करो प्यारे विद्यार्थियों कि ये मानो कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो गए तो घर वाले खुश होंगे और असफल हो गए तो पड़ोसी खुश होंगे तो इसलिए खुश तो होंगे इसलिए आप मेहनत ज़रूर करो देखो दो परिभाषाएं दी गई है दो के ग्राम सभा वेरी वेरी मोस्ट है दो सौ सभा का उल्लेख किया गया है दो सौ तिलिस पंचायतों का गठन बताया गया है दो सौ तिलिस पंचायतों की संरचना बताई गई है दो सौ घे में स्थानों का आरक्षण बताया गया है महिला आरक्षण इसी में है दो सौ घे घड़ी याद रखना उसके में दो सौ तिश सदस्यों के लिए निरहता बताई गई है वही दो सौ पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है वही आप देखोगे दो सौ पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में बताया गया दो तो सौ को तैयार कर सकते हो जो कि पंचायतों की संबंधी है उसके में आगे देखो जो कि ये पंचायतों से संबंधित है इनको आप हिंदी में भी और अंग्रेजी अल्फावेट में भी तैयार कर सकते हो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना उसके बाद में देखो दो सौ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन ये महत्वपूर्ण है वित्त आयोग का गठन वहीं दो सौ तिहालिस है पंचायतों के लेखाओं की संप्रीक्षा दो सौ तिहास पंचायतों के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त की उल्लेख इसी अनुच्छेद में है दो सौ राज्य क्षेत्रों को लागू होना दो सौ त्यालिस इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना कुछ क्षेत्रों पर लागू भी नहीं होंगी पंचायती राज दो सौ तितालीस विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना दो सौ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के अस्चिव का वर्जन किया गया है तो ये आप देख रहे हो पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद दो जो कि दो सौ से कै से तक ग्राम पंचायत से और उसके बाद में आप देखोगे भाग नौ क जो कि नगर पालिकाएं हैं दो सौ में तैमी परिभाषाएं दो सौ तिलिस थेमी नगर पालिकाओं का गठन किया गया दो दे में नगर पालिकाओं की संरचना तो इसमें गठन जरूर तैयार कर लेना ये छोटे छोटे अनुच्छेद आपको तैयार करने होंगे क्योंकि आजकल इनमें से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना हाँ अनुच्छेद तो एक ही है दो लेकिन दो के पार्ट या भाग बना दिए गए हैं उसके में देखो अनुच्छेद दे, त्यालीस घय वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना का उल्लेख है वहीं दो सौ में स्थानों का आरक्षण है याद रखना शहरी निकायों में नगर पालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण पूछे तो याद रखना दो सौ आएगा पंचायतों का पूछे तब घ आएगा उसके बाद में देखो दो पे तेलीस नगर पालिकाओं की अवधि आदि के बारे में दो पे सदस्यों के लिए निरहताएँ बताई गई है दो सौ याद रखना जो कि बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है जो कि बारहवीं अनुसूची में जो अट्ठारह विषय दी गई हैं वो इन्हीं से संबंधित है दो सौ त्यालीस नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी नीतियों का उल्लेख किया गया है वहीं दो में वित्त आयोग याद रखना दोनों जगह है ग्राम पंचायत में भी है और नगर पालिका में भी है कहने के लोग ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन तो दोनों तरीके से तैयार करना है दो ये नगर पालिकाओं के लेखाओं की सैम परीक्षा है वहीं दो ये कै याद रखना यह के बाद में कैसे शुरू हो जाता है क्योंकि अंग्रेजी अल्फाबेट में जड आ जाता है नंबर पे तो वापस कै शुरू कर दिया जाता है जड ये के नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन तो याद रखना यहाँ राज्य निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख किया गया नगर पालिकाओं के संबंधी दो सौ त्याल ये कै संग राज्य क्षेत्रों को लागू होना दो सौ ये गे इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना कहने का मतलब उससे आप तुलना करते हुए इसे तैयार कर सकते हो याद रखना अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये उसके आदमी देखो आगे 213 ये गे इस भाग का कती क्षेत्रों को लागू नहीं होना उसके आदमी 213 ये घे जिला योजना के लिए समिति ये महत्वपूर्ण है याद रखना जेड डी उसके आदमी 213 ये अड जो कि महानगरों के लिए समिति है दो सौ यह छह विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना है दो सौ तिहार जो कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के सचिव का वर्जन या वर्णन किया गया है तो इन्हें भी तैयार कर लेना उसके बाद में भाग नौ ख ये भी महत्वपूर्ण है अगर अनुच्छेद तैयार नहीं करते हो लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि इससे संबंधित कौन सा भाग है सहकारी समितियों से संबंधित जो कि सहकारी समितियां दो सौ जैसी है याद है रखना परिभाषाएं दो सौ सहकारी समितियों का समामेलन तो याद रखना सहकारी समितियां भाग नोखे में इतना जरूर तैयार कर लेना इसको चाहे अनुच्छेद तैयार नहीं करते हो क्योंकि इसके अनुच्छेद बहुत कम पूछे जाते हैं पेपर के अंदर उसके बाद में देखो आगे दो ये ने बोर्ड के सदस्यों और उनके पदाधिकारियों की संख्या और शर्ती निर्बंधन किया गया दो ये टैमी बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किया गया दो ये टैमी बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अत्रिम अंतरिम प्रबंध किया गया दो ये यह अड़े में सहकारी समितियों का लेखा का अंकेक्षण किया गया दो ये ढे में साधारण निकायों की बैठकों का संयोजन किया गया दो ये यह अड़े में सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार इसे तैयार कर सकते हो आप दो ते में विवरणी दी गई है तो इसे भी आप तैयार कर सकते हो उसके बाद में देखो आगे दो सौ यह थे अपराध और शक्तियों के बारे में बताए गए दो सौ यह में बहुराज्य सहकारी समितियों को लागू होना बताया गया दो सौ तिलिस संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना बताया गया दो यह ने विद्यमान विधियों का चालू रहना बताया गया है तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है भाग नौ ख क्योंकि भाग नौ ग्राम पंचायत नौ क नगर पालिका और नौ ख सहकारी समितियां ये बाद में जोड़ी गई हैं याद रखना प्यारे विद्यार्थियों और उसके बाद में देखो भाग दस भाग दस जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद दो सौ चवालीस है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया दो बाद में जोड़ा गया दो के असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों का समाविष्ट करने वाला एक स्वशासित राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री सद का या दोनों का सर्जन बताया गया है तो ये भाग दस है उसके बाद में भाग ग्यारह भाग ग्यारह जो कि आप देखोगे संघ और राज्यों के बीच संबंध है इसके अंदर अध्याय भी बनाए गए जैसे कि पहला अध्याय विधायी संबंध विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है भाग 11 में उसके अंदर देखोगे 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार दिया गया है दो में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु दी गई है वहीं दो कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति दी गई है वहीं आप देखोगे दो 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ ये तैयार करना है दो को भी देख लेना संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची में जो विभाजन किया गया ना वो ये है विषय वस्तु और अवशिष्ट शक्तियाँ बची हुई जो शक्तियाँ होती है वो दो कहने को दोनों ही संवैधानिक है उसके बाद में दो वेरी वेरी मोस्ट है राज्य सूची के राज्य सूची में के के विषय संबंध में राष्ट्रीय हितों में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है जो कि राज्यसभा की शक्ति शक्ति हम हम कह कह सकते हैं विशेष अनुच्छेद दो अनुच्छेद उनचास वेरी वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मैं बार बार कहता हूं ना आपको हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है बल्कि अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है उसके बाद देखो अनुच्छेद 250। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के, के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है वहीं दो सौ में संसद द्वारा अनुच्छेद दो और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है वहीं दो सौ दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना बताया गया है वहीं दो सौ तिरपन में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है दो सौ में दो में आप देखोगे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का उल्लेख किया गया है तो यह आपने देखा जो की, भाग दस और भाग ग्यारह उसके बाद में देखो आगे दो सौ पिचपन अनुच्छेद दो सौ पिचपन में क्या कहे सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना उसके बाद में अध्याय दो है भाग ग्यारह के अंदर प्रशासनिक संबंध के बारे में वो तो आपने देखा था विदाई अब है प्रशासनिक संबंध क्योंकि केंद्र राज्य संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है भारतीय राज्य व्यवस्था में तो ये अनुच्छेद उसी से संबंधित है साधारण अनुच्छेद दो राज्यों की और संघ की बाध्यता दो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण दो सौ के कै को निश्चित कर दिया गया हटा दिया गया दो कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति का उल्लेख किया गया है वहीं दो सौ अट्ठावन संघ को करते सौंपने की राज्यों की शक्ति का उल्लेख है दो निश्चित कर दिया गया दो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख है अनुच्छेद 260 में ये महत्वपूर्ण है इसे आप पढ़ सकते हो दो सौ इकसठ के अनुच्छेद में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया उसके बाद में है वेरी वेरी मोस्ट बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है जल संबंधी विवाद जो कि दो सौ तिरसठ अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किया गया और वेरी वेरी मोस्ट है दो अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध किया गया है कि अंतरराज्य परिषद बनाई जाए अंतरराज्य परिषद बनाई जाए जो राज्यों के बीच में समन्वय करने का काम करे उसके बाद में भाग बारह वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद के बारे में इसमें भी अध्याय बनाए गए हैं जो कि अध्याय एक वित्त संबंधी साधा कारण देखो इसके अंदर क्या उल्लेख किया गया है प्यारे विद्यार्थियों अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है भाग 12 जिसके अंदर आप देखोगे वित्त आयोग का उल्लेख आएगा अनुच्छेद 264 निर्वाचन है 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाना बताया गया है वहीं 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में बताया गया दो भारत और राज्यों की संचित निधियों का उल्लेख किया गया है वहीं दो जो चाहे वह भारत की आकस्मिकता निधि हो चाहे वह राज्य की आकस्मिकता निधि हो दोनों का ही उल्लेख किया गया है इसके अंदर तो दोनों ही संवैधानिक है चाहे वो संचित निधि हो चाहे वो आकस्मिकता निधि हो उसके बाद में संघ और राज्यों के बीच में राजस्व का विवरण किया गया अनुच्छेद दो संघ द्वारा उदग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों का उल्लेख किया गया है तो ये वित्त संबंधी भाग है बारह जिसके अंदर हम देख रहे हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बाद देख में देखो आगे जो कि दो सौ अड़सठ संघ द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर तथा संघ तथ एवं राज्यों द्वारा विनियोजित एवं संकलित करों के बारे में बताया गया वहीं आप देखोगे दो में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों का उल्लेख किया गया 270 में संघ द्वारा उद्घ्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों का उल्लेख किया गया क्योंकि वित्त या ये कहो कर संबंधी अनुच्छेद है भाग 12 में प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद में आप देखोगे दो कुछ शुल्कों और करों पर संघ के परियोजनों के लिए अधि बहार दिया गया दो को निश्चित कर दिया गया दो जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की बात की गई है ये महत्वपूर्ण हम कह है सकते हैं उसके बाद में अनुच्छेद दो ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित हितबंद है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश चाहिएगी उसकी उपेक्षा की गई है उसके आदमी दो सौ पिछहत्तर कुछ राज्यों को संघ से अनुदान कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया गया है दो सौ छिहत्तर में वर्तियों व्यापारों उपजीविकाओं और नियोजनों पर कर की व्यवस्था की गई है दो सौ सतहत्तर व्यावर्ती बताई गई है दो सौ अठहत्तर निर्देश किया गया वहीं वही आदि को दो सौ उन्यासी शुद्ध आगम आदि की गणना करता है वहीं दो सौ अस्सी वेरी 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 वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है प्यारे विद्यार्थियों तो इसलिए अच्छी तरीके से तैयार कर लेना बहुत बार पूछा जाता है अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख किया गया है वहीं 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त आयोग अपनी सिफारिश या अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा या प्रस्तुत करेगा प्यारे विद्यार्थियों तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद में आगे देखो प्रकृया वित्तीय उपबंध के बारे में भी बताए गए कुछ अनुच्छेदों के अंदर जो कि हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसके अंदर दो सौ बयासी संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्ययों का उल्लेख है वहीं दो सौ तिरासी संचित निधियों आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि का उल्लेख किया गया उपबंध किया गया दो सौ चौरासी में लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा की गई है वहीं दो सौ पिचासी में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट की गई है दो छियासी में माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन वही आप को दो सतासी वित्त पर कर से छूट की गई है वित्त पर करों से छूट बताई गई है दो जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट की गई है वहीं आप देखोगे नवासी में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट की गई है दो नब्बे में कुछ व्योह और पेंशनों के संबंध में समायोजन किया गया दो नब्बे के कुछ देवस्व निधियों को वार्षिक संधायन किया गया दो सौ इक्यान निश्चित कर दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों तो ये कर से संबंधित हम कह सकते हैं वित्त से संबंधित अनुच्छेद हम कह सकते हैं भाग बारह में उसके बाद उधार लेना जो कि कौन से भाग बारह के अंदर जो वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद से संबंधित भाग है उसकी हम बात कर रही हैं देखो अनुच्छेद अध्याय दो उधार लेना दो सौ बानवे भारत सरकार द्वारा उधार लेना कौन से अनुच्छेद में दो बानवे में, में दो तिरानवे में, में राज्यों द्वारा उधार लेना बताया गया है तो ये वित्त से संबंधित बातें हैं वहीं आप देखो ये अध्याय तीन देखो इसके अंदर जो कि संपत्ति संविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद के बारे में बताता है देखो दो में कुछ दशाओं से संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाधाओं का उत्तराधिकार बताता है दो अन्य दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाधाओं का उत्तराधिकार बताता है वहीं दो में राजगामी या व्यपगत या स्वामी विहीन होने से प्रौद्भूत संपत्ति का उल्लेख करता है दो में राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना बताता है वहीं दो में व्यापार करने आदि की शक्ति का उल्लेख करता है दो सौ निन्यानवे संविधाएं हैं वही तीन वाद और कार्रवाईओं का उल्लेख करता है और उसके बाद में है वेरी 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 मोस्ट है याद रखना प्यारे विद्यार्थियों अध्याय चार संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले मूल अधिकार था लेकिन चौवालीसवे संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा इसे कानूनी अविधिक अधिकार बना दिया और भाग बारक के अंदर अध्याय चार जोड़ते हुए अनुच्छेद 300 के में 300 के या ए में इसको जोड़ दिया गया विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी या विधिक अधिकार है अनुच्छेद 300 क के, के तहत अब संपत्ति का अधिकार मूल या मौलिक अधिकार नहीं है तो अनुच्छेद तीन सौ को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना तो ये हमने देखे अनुच्छेद दो एक से लेकर के और 300 तक और अगली क्लास में हम बात करेंगे 301 से लेकर के तीन सौ तक इन चार क्लासों के अंदर हमारे भारतीय संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे अनुच्छेद एक से लेकर के तीन सौ तक तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों अंत में यही कहूंगा सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना कदम कदम पे मुश्किलें मिलेगी आपको बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना क्योंकि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ने की वो तो खुद ही पहचान लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ आज की इस क्लास का समापन करते हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और अंत में यही कहूँगा सदा खुश रहो हंसते रहो मुस्कुराते रहो प्रेम से मस्त रहो अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो